चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए आज का जो है ना जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का न्यूज है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये देख लीजिए यहाँ पर क्रम संख्या है, ये प्रखंड का नाम दिया हुआ है, ये सबसे जितना है सब प्रखंड का नाम है। इसके बाद है नियोजन इकाई का नाम प्रखंड का, इसके बाद विद्यालय का नाम है, इसके बाद नामांकन छात्रों की संख्या ने कितना जो है ना कौन सा स्कूल में छात्र अभी है। इसके बाद विषय देख लीजिए गणित का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू का हो गया। इसके बाद देख लीजिए कार्यरत शिक्षकों की संख्या, आप देख लीजिए कितना शिक्षक है। विज्ञान में देखिए गणित विज्ञान में दो शिक्षक है, सामाजिक विज्ञान में दो शिक्षक है, हिंदी में एक शिक्षक है, अंग्रेजी में कोई शिक्षक नहीं है, संस्कृत में कोई शिक्षक नहीं है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है ना दिया हुआ ये रिक्त यानी सीट जो है ना रिक्त रह गया। देखिए गणित में जो है ना दोस्तों जीरो सीट बाकी है, इसके बाद जो है ना सामाजिक विज्ञान में जीरो सीट बाकी है, हिंदी में एक सीट बाकी है, अंग्रेजी में दो सीट, इसके बाद संस्कृत में दो सीट, इसके बाद उर्दू में एक सीट बाकी है। ये कहाँ की दोस्तों ब्लॉक फुलपरास की, और ये एम एस बथनाहा स्कूल का नाम है उसमें। इसके बाद आप लोग जो है दोस्तों बेसिक रूप से अपना अपना स्कूल का अपना अपना ब्लॉक के स्तर से इस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से लेकर लगभग क्रमांक संख्या जो है ना क्रमांक संख्या यहाँ पर लगभग 32 तक है। नेक्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए 14, 15, 16, 17, 18 ये सब दिया हुआ, और ये सब जो है ना फुलपरासी के दिया हुआ है। फुलपरास के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों वो सब का जो है ना यहाँ पर जो है ना दिया हुआ है। ये फुलपरास ब्लॉक का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रखंड का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए प्रखंड का नाम दिया हुआ है। तो ये फुलपरास प्रखंड का जितने भी स्कूल है वो सब का जो है ना यहाँ पर आया, और रिक्ति जो है ना यहाँ पर सब जो है ना दिखाया गया है दोस्तों। तो आप लोग इसके बारे में क्या राय विचार है, सातवें चरण में इस सीट को जो खाली सीट है इन सबको बहाली किया जाना चाहिए या ऐड किया जाना चाहिए कि नहीं, आप अपना राय विचार कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर धन्यवाद। मित्रों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।